प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 19 गांव मॉडल बनेंगे। इन गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। योजना के तहत हर गांव के विकास पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चयनित गांव के लिए किए गए सर्वे में सामने आई कमियों को भी योजना के तहत 2 सालों में दूर किया जाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा के 19 गांव मॉडल बनेंगे। इन गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में हुआ है। योजना के तहत हर गांव के विकास पर 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। चयनित गांवों के लिए सर्वे में सामने आई कमियों को भी योजना के तहत 2 सालों में दूर किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से 20 लाख रुपए की फंडिंग की गई है। आदर्श ग्राम योजना के तहत 50% से अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले चयनित गांवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना उद्देश्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 10 डोमेन के 50 संकेतकों में सुधार करना है। केंद्र सरकार ने चिन्हित गांवों के लिए 20-20 लाख रुपए का प्रावधान किया है और इस राशि के उपयोग के लिए 2 वर्ष का समय निश्चित किया गया है। इन गांवों का चयन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किया गया है। ईडीसी जिला कांगड़ा राघव शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम आदर्श योजना के तहत जिला के 15 ब्लॉकों से 19 गाँवों का सामाजिक और आर्थिक सहित विभिन्न 10 पैरामीटर्स को देखते हुए भारत सरकार द्वारा चयन किया गया है। प्रथम चरण में इन सभी गांवों में सुविधाओं का सर्वे करवाया गया है। सर्वे में सामने आई कमियों को आगामी 2 वर्षों में दूर किया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार की ओर से 20 लाख की फंडिंग भी मनरेगा और 14वें वित्त आयोग के पैसे को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, जिससे लगभग 35 से 40 लाख रूपए एक गाँव पर खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में इस वर्ष के लिए हमारे जो 15 ब्लॉक्स हैं जिला कांगड़ा के, उनमें 19 गांवों का चयन जो है वो भारत सरकार द्वारा किया गया है। इन गांवों का चयन जो है, इनके जो सामाजिक और आर्थिक इनके जो पैरामीटर्स हैं उनको देखते हुए और उसमें जो गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में उनको देखते हुए भारत सरकार द्वारा किया गया है। पहले चरण में इन सभी गांवों में हमने एक सर्वे कराया है। हर परिवार का सर्वे किया गया है। निश्चित जो मापदंड है सामाजिक और आर्थिक मापदंड जो हेल्थ और न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बैंक अकाउंट्स और बैंक सिस्टम में कितने वो जो है इंक्लूडेड हैं उससे रिलेटेड हैं, आधार सिस्टम जो है हमारा उसमें इंक्लूजन है, सड़क बिजली और पानी उस गाँव को क्या सुविधा मिली है या नहीं मिली है उससे रिलेटेड पैरामीटर्स हैं, और इस तरह जितने भी सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो मापदंड होते हैं वह 10 पैरामीटर्स इसमें लिए गए हैं। और सर्वे के उपरांत जो गैप सामने आए हैं कि गैप जैसे कि किसी परिवार का यदि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है तो वो जो गैप्स हैं वो हमें इस योजना की इम्प्लीमेंटेशन के दौरान जो अगले 2 वर्ष का समय दिया गया है उसमें पूरे करने हैं। साथ ही में इसमें कुछ कैपिटल वर्क्स भी होंगे, जैसे अगर स्वच्छता के लिए ड्रेन्स नहीं हैं उसमें मकान वहाँ पे अगर लोगों के पक्के नहीं बने हुए हैं तो प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसमें कवर किया जाएगा। और 20 लाख रुपए की गैप फंडिंग जो है वो भारत सरकार से मिल रही है। साथ में जो नरेगा और 14वें वित्त आयोग का पैसा है उसके साथ इसकी कन्वर्जेंस की जा रही, तो लगभग हर गाँव ने जो है 35 से 40 लाख रुपये का कैपिटल वर्क्स का प्लान भी इसमें बनाया है, जो कि हमने पिछले इस हफ्ते हुई जो हमारी बैठक है डिस्ट्रिक्ट लेवल उसमें अप्रूव करके और सरकार को पैसे रिलीज करने के लिए उसको भेजा हुआ है। पैसे प्राप्त होते ही कैपिटल वर्क्स भी शुरू करेंगे। साथ ही सभी डिपार्टमेंट्स जो हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स हैं, आईपीएस डिपार्टमेंट है, सभी को निर्देश दिए गए इन गाँव में जो है वो कैंप्स किए जाएँ, विजिट किया जाए, और जो गैप हर स्कीम में उभर के आया है उसको जो लाभार्थी छूट गए हैं उन सभी लाभार्थियों को इसमें कवर किया जाए। तो हमारी आशा है कि अगले 2 साल के पीरियड में जो सॉफ्टवेयर के थ्रू इस प्रोग्राम की मॉनिटरिंग भी हो रही है, मंथली स्कोर भी निकल रहे हैं, तो उससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जगेगी और इन गाँवों में एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से गैप आइडेंटिफिकेशन के बाद जो विकास है वो हो पाएगा और ये आदर्श ग्राम बन पाएंगे स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन के एंड तक।